हेलो एवरी वन होप यू आर आर डूइंग वेरी गुड सो टुडे आई एम हेल्पी बिफोर यू विद एन अनदर थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट इज स्टॉलमेंट्स साइन लर्निंग थ्योरी इट इज़ गिवन बाय एडवर्ड जे स्टॉलमेंट सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट थैंक यू सो मच इफ़ यू टॉक अबाउट एडवाड टॉलमैन तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने साइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने अपनी बुक इश की थी परपसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड मैन जिसमें उन्होंने लर्निंग के बारे में मैंशन किया था सो लेट्स मूव फर्दर सो टॉलमैन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि लर्निंग इज़ परपिव एंड गोल ओरिएियंटड लर्निंग जो है वो परपसिव है गोल ओरिएंट है यानी कि हम ऐसे ही कुछ भी नहीं सीखते हमारा कोई गोल होता है ऑलवेज़ हम अपने गोल की तरफ ही आगे बढ़ते हैं लर्निंग करते जाते हैं तो लर्निंग इज़ ऑलवेज पर्पस लर्निंग पर्पस होती है हमारा कोई ना कोई एम होता है हमारा कोई टारगेट होता है जिसको हमें अचीव करना होता है और उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं लर्निंग करते हैं टोलमैन कहते हैं कि जो एनवायरमेंट है वो हमें सिग्नल्स देता है ठीक है काफ़ी स्टिमुलस मिलते हैं हमें अपने एन्वायरमेंट से जिससे हम अपने गोल तक पहुंच पाए कि लर्निंग इज़ नॉट एस आर मैकेनिज़म बट एस एस मैकेनिज़्म ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी तक जो ट्रेडिशनल थ्योरीज पढ़ी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट थ्योरी वो सिंपल एस आर मैकेनिज्म पे बेस्ड थी यानी कि स्टिमुलस होता था और उस पर वो कोई भी लर्नर जो था वो रिस्पॉन्ड करता था तो टोलमैन ने क्या किया इस मैकेनिज़्म को टोटली totally डिनाई किया कि लर्निंग जो है वो सिर्फ एक एस आर मेकेनिज्म नहीं है एस एस मैकेनिज्म है यानी कि हमें स्टिमुलस मिलते हैं सिग्नल्स मिलते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं एस एस मैकेनिज्म मतलब स्टिमुलस स्टिमुलस मैकेनिज्म इसका मतलब है कि वट लीड टू वट वट लीड टू वट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम ये काम करेंगे तो उससे क्या होगा और फिर अगला हम काम करेंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा सो ये होता है एस एस मैकेनिज्म की जो लर्नर है अपने लर्निंग प्रोसेस में क्या करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपनी कॉग्नेटिव एबिलिटीज को यूज़ करता है और जो सबसे शॉर्टेस्ट एस्ट पाथ होता है उसी को वो एक्वायर करता है सो so ये टॉलमैन का थॉट था अबाउट लर्निंग अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए टॉलमैन ने एक्सपेरिमेंट्स किए रैट्स के ऊपर टॉलमैन तो ने क्या बनाया मेजेस बनाए मेज इज़ एक्चुअली द पजल बॉक्स तो उसमें में हंगरी रैट को एंट्री करवाई गई और उस पजल बॉक्स के दो गेट थे इस मेज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए रैट्स के ऊपर सो so, यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है दिस वन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से रेड को एंट्री करवाई गई और रेड को क्या करना था अपने इस टारगेट तक पहुंचना था ये उसका गोल था ठीक है so, सो एंड ये जो आपको डिफरेंट लाइन्स दिख रही हैं दीज आर द बैरियर्स इन द रेट्स पाथ रेड को यहाँ से एंट्री करवाई गई अब रेड को डिसाइड करना था कि वो कौन सा पाथ यूज करेगा और अपने गोल तक पहुंचेगा जो पाथ वो फॉलो कर रहा था उसने खुद से डिसाइड किया कि उसको किस पाथ पे जाना है सबको डिसाइड करते हुए वो चलता गया किसी भी तरीके से रैट ने क्या किया वो अपने फूड बॉक्स तक पहुंच गया इसका कंक्लूजन क्या निकाला टोलमैन ने इनफोर्समेंट इन द ट्रायल्स ठीक है अब जब रैट था उसको हमेशा एक रीइंफोर्समेंट मिल रही थी मोटिवेशन था कि मुझे खाना मिलेगा तभी वो इतने हाथ पैर मार रहा था तभी वो अपना रास्ता ढूंढ रहा था सो यहां पर रैट का क्या था एक पर्पज़ था घूमने का उन्होंने री का बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में कि जो री होती है वो हमें मोटिवेट करती है फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग नीक्स फिर डिफरेंट ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ साइन लर्निंग सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किया मोलर अप्रोच ठीक है मोलर अप्रोच का मतलब है कि जो बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो पर्पज होता है गोल ओरिएंटेड होता है मैकेनिकल या स्टीरियोटाइप्ड नहीं होता यानी कि कोई फिक्स नहीं होता पर्पसिव होता है और गोल ओरिएंटेड होता है कि हम अपने पर्पस की तरफ बढ़ते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर है वो डिटरमिन होता नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स इंटरवेनिंग वेरिएबल्स सच एज़ हेरिडिटी प्रीवियस नॉलेज एज एंड एनवायरमेंटल स्टिमुला हेरिडिटी प्रीवियस नॉलेज यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है या फिर हैरिडिटी हैरिडिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी पर्सन लर्निंग एबिलिटी को एंड एज एज बहुत मैटर करती है जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो एज जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बिहेवियर का और आपकी लर्निंग को अफेक्टिव बनाने का जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिक्स ईयर्स का चाइल्ड है और एक टेन ईयर्स का चाइल्ड है तो जो टेन ईयर का चाइल्ड है वो मोर एफिशियंट होगा अपने लर्निंग और लर्नर को एनवायरमेंट से क्या क्या स्टिमुलस मिल रहे हैं क्या क्या सिग्नल मिल रहे हैं अगर उसको स्टिमुलस प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो वो लर्निंग भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा सो नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया काग्नेटिव मैप्स कॉगनेटिव मैप्स क्या होते हैं द मेंटल मैप्स और द मेंटल इमेजेस और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस थॉट टू फाइंड द न्यू सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस मिल रहे हैं उनका वो एक मेंटल पिक्चर अपने माइंड में स्टोर कर लेता है अब यहाँ पर हम अगर रेट्स का एग्जाम्पल जब मेज़ में एंट्री मिली तो रेड को किसी भी वे का नहीं पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा बट उसने क्या किया उसको जो एन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिल रहे थे जो उसको रास्ता खुला हुआ मिल रहा था वो उसमें जा रहा था और उसने अपने माइंड में वो पिक्चर क्या करता जा रहा था उनका कि स्टोर करता जा रहा था सो दीज आर कॉल्ड द कॉल्डिव मैप्स लर्नर क्या करता है अपने माइंड में थॉट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज उसको नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रीवियसली उसने सेम प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया है तो उसके माइंड में कोई ना कोई सोल्यूशन ऑलरेडी होगा नेक्स्ट इन्होंने टर्म यूज प्लेस लर्निंग चेंज इन मूवमेंट्स एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एज पर नीड ठीक है हमारी कुछ प्रीवियस नॉलेज है तो हम उसी के बेस हम उसी के बेसिस पे क्या करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं बट हर केस में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम का जो डोमेन होता है वो डिफरेंट होता है तो हमें क्या करना होता है अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करना है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो न्यू प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उसमें हमें क्या करने पड़ते हैं फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं सो दिस इज प्लेस लर्निंग प्रूव करने के लिए टॉलमैन ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया रैट के ऊपर तो जो रैट था अब उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक टी मेज पे बनाया गया रैट इस पॉइंट पे पहुंचा तो रैट को डिसाइड करना था कि अब सीधा तो जा नहीं सकता तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है एज पर इट्स नीड्स तो रेट ने डिसाइड किया कि उसको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है सो दिस इज प्लेस लर्निंग ओके नेक्स्ट आगे वो यूज करते हैं रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड एंड अ पर्सन ऑलवेज एक्सपेक्ट सम गेन और रिवॉर्ड जब भी कोई लर्निंग करते हैं हम जब भी किसी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि हमें अपनी इस एफर्ट का कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा एंड नॉट गेटिंग द रिवॉर्ड में लीड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड लो एफिशियंसी ऑफ वर्क सो रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी को प्रूव करने के लिए टॉलमैन ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि पूरे सेवनटीन डेज तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने रैट्स को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री जो ग्रुप वन था उनको री मिलता था हर बार हर बार जब वो अपना टारगेट तक पहुंचते थे उनको खाना मिलता था ग्रुप टू जो है उनको पहले दस दिन तक कोई री नहीं मिला उनको टेंथ डे के बाद री देना शुरू किया और ग्रुप थ्री जो था उनको कभी भी कोई री नहीं मिला तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्रुप वन था वो अपने सेवनटींथ डे पे ग्रुप ने सबसे कम टाइम लिया अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ग्रुप टू जो था उसकी एफिशिएंसी अचानक से इलेवेंथ डे से क्या होने लगी बढ़ने लग गई और ग्रुप थ्री जो था वो एमलेसली घूमते रहते थे उन्हें भी अवार्ड नहीं मिलता था तो उनकी जो एफिशिएंसी थी ग्रुप थ्री की वो कम हो गई तो यहाँ पर उन टॉलमैन ने बोला कि री इन्फोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वे ऑफ लर्निंग अब टॉलमैन ने एक और टर्म यूज़ की यहाँ पर दैट इज लेटेंट लर्निंग ठीक है लेटेन लर्निंग क्या होती है बेसिकली द हिडन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग जो हम अपने एनवायरमेंट से कर लेते हैं हमें उसकी जरूरत नहीं होती है तो इट रिमेन इन द माइंड एंड क्लियर ओनली वेन नीडेड और पर्सन गेट री इन्फोर्समेंट टू यूज दैट लर्निंग एक बच्चा है उसके फादर उसको डेली स्कूल छोड़ने जाते हैं वो अपने फादर को ऑब्जर्व करता है कि उसके फादर कौन सा पाथ डेली लेते हैं स्कूल जाने के लिए ठीक है तो वो उसके माइंड में एज अ मेंटल पिक्चर क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है यानी कि उसने वो लर्न कर लिया उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर उसको छोड़ने जाते हैं वो उसकी क्या थी हिडन लर्निंग थी एक दिन क्या होता है कोइंसिडेंटली उसके फादर उसको छोड़ने नहीं जा पाते हैं तो वो क्या करता है वो खुद से स्कूल जाता है फॉलोइंग द सेम पाथ जो उसके फादर ने पाथ यूज़ किया था उसी पाथ को यूज़ करते हुए वो भी क्या करता है स्कूल पहुँच जाता है सो तो ये होती है लेटेंट लर्निंग यानी कि लर्निंग हम कर लेते हैं एन्वायरमेंट से पर जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको यूज़ करते हैं सो एजुकेशनल इंप्लीकेशन अगर हम इसके देखें तो लर्निंग इज़ पर्पसिव सो बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वो पर्पसिव होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना है कि नो लर्निंग इज वेस्टफुल ठीक है चाहे वो गोल ओरिएंटेड है चाहे वो हिडन लर्निंग है कोई भी वेस्टफुल नहीं होती है टीचर को क्या करना चाहिए एफर्ट्स पुट करने चाहिए बच्चों के अंदर से हिडन लर्निंग को लाइटन अप करने के लिए और बच्चों को ऑल्टरनेटिव मेथड्स को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम क्योंकि वो जितने मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे उनकी लर्निंग उतनी ज्यादा अफेक्टिव होगी एंड री एन्फोर्समेंट इज द नेसेसरी एक्शन फॉर मेकिंग लर्निंग अफेक्टिव तो बच्चों को टाइम टू टाइम करेक्ट इन्फोर्समेंट देना ज़रूरी है सो दिस इज इट फॉर ऑल साइन लर्निंग थ्योरी आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग